नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्में, वरुण धवन के स्ट्रीट डांसर, कंगना रनौत के पंगा, इन दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में कौन सी हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें फिल्म पंगा के बारे में, तो पंगा मूवी को डायरेक्ट किया है अश्विनी तिवारी अय्यर ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है कंगना रनौत, जस्सी गिल और ऋचा चड्ढा। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ का था और फिल्म को इंडिया में 1450 स्क्रीन और ओवरसीज मार्केट में 450 स्क्रीन, यानी कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1900 स्क्रीन में रिलीज किया था। दोस्तों, फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले, जिसके चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ठीक ठाक कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 2,70,00,000 रुपए कमाए थे, लेकिन अच्छे रिव्यूज के चलते फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन डबल का ग्रोथ देखने को मिला और फिल्म ने दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया 5,61,00,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों, बात करें फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म ने तीसरे दिन तो और भी शानदार ग्रोथ दिखाई और फिल्म ने तीसरे दिन 8 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया। बात करें दोस्तों चौथे दिन के कलेक्शन की, तो चौथे दिन है मंडे और मंडे से फिल्मों के टिकट रेट कम हो जाते और वर्किंग डे होने की वजह से सभी फिल्मों के कलेक्शन मंडे कम रहते, तो यहाँ पे पंगा फिल्म भी मंडे को थोड़ी ड्रॉप होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से पंगा फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 2,50,00,000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है 17,20,00,000 रुपये, वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 21 करोड़ रुपये। बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों पंगा फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से ग्रोस कलेक्शन किया है 7 करोड़ का। इसी के साथ दोस्तों, पंगा फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है लगभग 28 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म जिस तरह से होल्ड बनाए हुए है उससे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म काफी लंबी चलेगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100% हिट हो सकती है। वही दोस्तों, बात करें इससे फिल्म के साथ रिलीज हुई स्ट्रीट डांसर के बारे में, तो दोस्तों स्ट्रीट डांसर एक डांसिंग ड्रामा फिल्म थी, जिस फिल्म का डायरेक्शन किया था रेमो डिसूजा ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे भूषण कुमार और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है वरुण धवन, प्रभु देवा, श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही। फिल्म का बजट है लगभग 70 करोड़ रुपये और इस फिल्म को इंडिया में हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज किया और दोस्तों फिल्म को तीनों भाषाओं में वर्ल्ड वाइड मार्केट में 4,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज किया है। बात करें दोस्तों फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों स्ट्रीट डांसर फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया था 10,26,00,000 रुपए का, वही दोस्तों फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन था 13,21,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, फिल्म के कलेक्शन में तीसरे दिन यानी संडे एक बड़ा ग्रोथ आया और फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया लगभग 17 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों चौथे दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म चौथे दिन भी काफी अच्छी टिकी और ये फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 5 करोड़ के रेंज में। इसी के साथ दोस्तों, स्ट्रीट डांसर फिल्म का शुरुआती 4 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 46 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 54 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों स्ट्रीट डांसर फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से ग्रोस कलेक्शन किया है 14 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों, जो स्ट्रीट डांसर फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 68 करोड़ यानी कि 68 करोड़ रुपए। वैसे दोस्तों, अगर आपने पंगा और स्ट्रीट डांसर ये दोनों फिल्में देखी, तो आपको इनमें से कौन सी फिल्म बेस्ट लगी, अपने फेवरेट फिल्म का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और स्ट्रीट डांसर और पंगा फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।